audio jump. तो इस वीडियो लेक्चर में हम पहले सीखने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। सिंपल सेंटेंसेस काफी सिंपल होते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है कि सिंपल सेंटेंस में वन सब्जेक्ट होता है और वन वर्ब होता है। एंड बेसिकली सिंपल सेंटेंस जो है इट फॉर्म्स अ कंप्लीट आइडिया। एक सिंपल सेंटेंस इट मेक्स कंप्लीट सेंस, इट रेफर्स टू और डिनोट्स अ कंप्लीट आइडिया। सो तीन चीजें, वन सब्जेक्ट, वन वर्ब एंड कंप्लीट आइडिया, ये होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं इन सेंटेंसेस को एंड लेट्स फिगर आउट कि ये सिंपल सेंटेंसेस है या किसी और टाइप के सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस है, जो वेटेड फॉर द ट्रेन। ओके, तो जो है हमारा सब्जेक्ट है, वेटेड हमारा वर्ब है और फॉर द ट्रेन इज जस्ट बेसिकली गिविंग अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट जो वेटेड, वाई डिड ही वेट फॉर द ट्रेन। तो हमें जस्ट ये चीज अभी हमें फोकस करना है ये चीज पे नहीं, बल्कि सब्जेक्ट और वर्ब पे। इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और कोई वर्ब है सेंटेंस में, और कोई सब्जेक्ट है नहीं, राइट? दैट मीन्स ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इट इज अ सिंपल सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं, द ट्रेन वॉज लेट। ओके, सब्जेक्ट क्या है? ट्रेन। वर्ब क्या है? वॉज। तो वन सब्जेक्ट वन वर्ब, विच मीन्स दिस इज आर सिंपल सेंटेंस। आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस को, मैरी एंड समांथा टुक अ बस। ओके, सब्जेक्ट दो है कि यहाँ पे मैरी एंड सैम की, ये एक ही है यहाँ पे। ये जो है मैरी एंड समांथा, ऑल्दो ये कंजंक्शन यूज किया है हमने यहाँ पे एंड, लेकिन ये दोनों एक ही है, दैट मीन्स दे आर आर कंपाउंड सब्जेक्ट। तो दे वी लुक एट मैरी एंड समांथा एज वन सब्जेक्ट। ओके, बिकॉज इट्स अ कंपाउंड सब्जेक्ट। मैरी एंड समांथा टुक है हमारा वर्ब। सो कंपाउंड सब्जेक्ट मतलब वन थिंग, सो इट हैज वन सब्जेक्ट एंड टुक इज आर वन वर्ब। देयरफॉर मैरी एंड समांथा इज दिस सेंटेंस, मैरी एंड समांथा टुक अ बस इज ऑल्सो अ सिंपल सेंटेंस। आइए देखते हैं फोर्थ सेंटेंस को, आई लुक्ड एट मैरी एंड समांथा एट द बस स्टेशन। ओके, सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब है लुक्ड। एट मैरी एंड समांथा, आई लुक्ड एट मैरी एंड समांथा एट द बस स्टेशन। तो और कोई वर्ब है सेंटेंस में? नहीं, ये तो पूरा ऑब्जेक्ट है मैरी एंड समांथा, आई लुक्ड एट व्हाट। तो इसका मतलब है और कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में। काफी बड़ा सेंटेंस है तो आपको लग गया होगा तो शायद ये कुछ और टाइप का सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस है। और क्यों सिंपल सेंटेंस है? क्योंकि इसमें एक वर्ब है और एक ही सब्जेक्ट है, तो इसीलिए ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। हमें सिंपल सेंटेंस में सिर्फ फोकस करना है एक सब्जेक्ट। अगर हमें सिंपल सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है रादर, हमें सिर्फ फोकस करना है कि उस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट्स हैं और कितने वर्ब्स हैं। अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हुआ उसका मतलब है वो सेंटेंस बन जाता है हमारा सिंपल सेंटेंस। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स सिंपल सेंटेंसेस के, और आपको मेजर टेक अवे है ये थिंग, ये जो आप तीन चीजें अगर आप याद रख लिए तो आप सीख जाएंगे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। वन सब्जेक्ट वन वर्ब एंड इट्स अ कंप्लीट आइडिया। तो आइए पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में अभी। सो आइए पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में। कंपाउंड सेंटेंसेस में बेसिकली टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। तो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, क्लॉजेस का पहले मतलब जान लेते हैं। क्लॉजेस में वन सब्जेक्ट होता है। क्लॉजेस आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज वन सब्जेक्ट एंड इट हैज वन वर्ब। ओके, और वन टेंस वर्ब। टेंस वर्ब वो होता है जो टेंस डिनोट करता है। ये जो वर्ब है इट विल ईदर डिनोट अ पास्ट टाइम, a present time or a future time. So one clauses are a group of words that has one subject and one verb. Independent clauses kya hote hain? Independent clauses wo hote hain clauses that make complete sense. Wo independent hote hain, unhe kisi aur ki zarurat nahi hoti. And compound sentences kya hote hain? Compound sentences mein two independent clauses hote hain, ya at least two independent clauses hote hain. And इन्हें कनेक्ट कौन सी चीज करती है? इन्हें कनेक्ट करते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, सो इतना बस दिमाग में रख लीजिए, सिर्फ दो चीजें आपको रखनी है दिमाग में।
कंपाउंड सेंटेंसेस, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है फैन बॉयज. सो फैन बॉयज, यस, फैन बॉयज क्या है? एक नया वर्ड है? नहीं, बेसिकली इट्स एन एक्रोनिम. इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर आवर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दैट इज फॉर एंड नॉर बट और गेट एंड सो. सो ये सारे जो है फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये सारे जो वर्ड्स है वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, और ये वर्ड्स, ये कंजंक्शंस ज्वाइन करते हैं हमारे टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को. अगेन मैं रिपीट करती हूँ, क्लॉजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका एक सब्जेक्ट होता है और जिनमें एक वर्ब भी होता है, एंड बेसिकली दे आर इंडिपेंडेंट, दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन. आइए जानते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस को और बेटर विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स. जो वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वॉज लेट. इसमें आइडेंटिफाई करते हैं हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. जो वेटेड फॉर द ट्रेन, कंप्लीट सेंस, राइट? जो वेटेड फॉर द ट्रेन, ओके, ये हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट, और द ट्रेन वॉज लेट है हमारा सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. So this is our first independent clause. Why is it our first independent clause, friends? Because ये एक subject है, ये एक verb है, यहाँ पे भी एक subject है, यहाँ पे भी एक verb है, इसलिए ये बन जाता है हमारा independent clause. So this is our second independent clause, which is joined by our coordinating conjunction but. So simple है, two independent clauses joined by coordinating conjunction. That's it. Those are compound sentences. आइए देखते हैं second sentence को. I looked for Mary and Sam at the bus station, but they arrived before noon. So, यहाँ पे, okay, identify करते हैं coordinating conjunction को. मुझे यहाँ पे but दिख रहा है, और मुझे हमारा coordinating conjunction and भी यहाँ पे दिख रहा है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे two coordinating conjunctions है. नहीं, इस sentence को और एक बार पढ़ते हैं. I looked for Mary and Sam at the bus station. तो Mary and Sam जो है, वो हमारा compound, in a way, ऑब्जेक्ट है, ओके. तो यहाँ पे हम मैरी और सैम को एज अ ग्रुप डिनोट कर रहे हैं, एज वन ऑब्जेक्ट डिनोट कर रहे हैं, ओके. दिस इज वन एंटिटी, इसीलिए यहाँ पे जो एंड है, ये एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का रोल प्ले नहीं कर रहा, बिकॉज इट्स नॉट जॉइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. यहाँ पे ये जस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ अ कंपाउंड वर्ड और अ कंपाउंड ऑब्जेक्ट इन दिस केस, मैरी एंड सैम. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है आई, वर्ब है लुक्ड, ओके. This is this like I said, I looked for what? Mary and Sam. ये हमारा compound object है, but हमारा coordinating conjunction है, and they arrived before noon है हमारा second independent clause. तो ये है हमारा I looked for Mary and Sam at the bus station. ये है हमारा पहला independent clause, और second independent clause है they arrived before noon. This is our second subject and this is our second verb. So this is our second compound sentence. Let's say मैं और एक चीज यहाँ पे add करती हूँ. I looked for Mary and Sam at the bus station, but they arrived before noon. And they left on the bus. Okay, इसीलिए मैं उनको देख नहीं पाई शायद. They left on the bus. यहाँ पे मैं दो add कर लेती हूँ, on the bus. तो Does that mean that and left on the bus हमारा third independent clause है? लेकिन इस जो ये जो clause है यहाँ पे subject कहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये clause है ही नहीं, right? And left on the bus. And left on the bus does not make complete sense, right? इसीलिए ये जो है and left on the bus, ये independent clause नहीं है. It is just adding to the sentence, right? So ये चीज प्लीज ध्यान में रखिए. ऐसा नहीं है कि आपको जितने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मिलते हैं उतने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है. आपको उस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है कि अगर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अगर एंड है, बट है, तो उसका उस सेंटेंस में वो क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है उस सेंटेंस में. क्या वो रियली दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, तो वो बन जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. लेकिन अगर वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड नहीं कर रहा, तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन ही नहीं सकता. तो यहाँ पे आप, आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया रहेगा कि जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं वो हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन नहीं करते.
लेकिन जब भी वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं तभी वो बन जाते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आइए देखते हैं हमारा थर्ड एग्जांपल सेंटेंस को, जो कि है मैरी एंड सैम लेफ्ट ऑन द बस बिफोर आई अराइव, सो आई डिड नॉट सी देम एट द बस स्टेशन। अगेन मैरी एंड सैम हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे, ओके यहाँ पे कंपाउंड ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे हमें कंपाउंड सब्जेक्ट कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें यहाँ पे फोकस करना है कंपाउंड सेंटेंसेस में। एंड व्हाट डू कंपाउंड सेंटेंसेस कंप्राइज ऑफ, वो इंक्लूड करते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आइए इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हैं हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि है सो, दिस इज आवर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे कि मैंने कहा एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, इट्स सिंपली अ पार्ट ऑफ आवर कंपाउंड सब्जेक्ट मैरी एंड सैम। तो मैरी एंड सैम लेफ्ट ऑन द बस बिफोर आई अराइव, ये बन जाता है हमारा पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है आई डिड नॉट सी देम एट द बस स्टेशन, सो दिस इज आवर सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज विच इज कनेक्टेड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो। तो यहाँ पे अभी बहुत सिंपल हो गया रहेगा आपके लिए कंपाउंड सेंटेंसेस, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होता है, वन सब्जेक्ट वन वर्ब दैट मेक कंप्लीट सेंस और इट डिनोट्स अ कंप्लीट आइडिया। तो वन सब्जेक्ट वन वर्ब इन अ क्लॉज। एंड कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, दे आर अ कॉम्बिनेशन, दे आर इन अ वे अ मैरिज ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। एंड वो कनेक्टर्स जो उन्हें कनेक्ट करते हैं उनका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि है हमारे फैन बॉयज। फैन बॉयज बहुत सिंपल एक्रोनिम है, इसको कभी भूलना मत, इसके इसको ध्यान रखने से आपको मिल जाएंगे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि है फॉर एंड नॉर बट और येट एंड फाइनली सो। तो हमने देखा कंपाउंड सेंटेंसेस को, आइए देखते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। सो आइए सीखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, बेसिकली देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो डिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं होते, इसका मतलब उन्हें किसी और चीज की जरूरत होती है टू मेक कंप्लीट सेंस। एंड वेर एज इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं दैट मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन, दैट मीन्स कि दे कैन स्टैंड अलोन, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं होती। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। और इन दोनों चीज को, ये जो प्लस साइन है, इसका मतलब है हमारे सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो जो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो बेसिकली एड करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज टू द डिपेंडेंट क्लॉज। सो ये है, ये जो पूरी लिस्ट दिख रही है आपको पिंक में, ये है हमारे सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सारे नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स है। तो हमारे सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, इफ, सिंस, दो, अनलेस, अंटिल, व्हाइल, व्हेनेवर, व्हेरएज एंड आफ्टर, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो चीज डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ कनेक्ट करती है वो है हमारे सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हमने डिटेल में सीखा है हमारे कंजंक्शन के वीडियो में, सो गो अहेड एंड प्लीज टेक अ लुक एट इट। सो अभी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे फोकस करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आइए देखते हैं इन एग्जाम्पल सेंटेंसेस को। तो प्लीज आई डू नॉट वॉन्ट यू टू गेट, आपको ये पैराग्राफ लगता होगा शायद, तो मैं इसे अच्छे से डिवाइड कर देती हूँ। ओके, सो ये है तीन सेंटेंसेस, हम इन तीनों सेंटेंसेस को देखेंगे। पहला सेंटेंस है आई डिड नॉट सी देम एट द स्टेशन बिकॉज मैरी एंड सैम अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून। तो पहली चीज जो हम इस सेंटेंस में करेंगे वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि है बिकॉज। ओके, बिकॉज यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें मिल गया जो कि है बिकॉज। सो आइए पहले पार्ट ऑफ द सेंटेंस को देखते हैं, आई डिड नॉट सी देम एट द स्टेशन। सो आई डिड नॉट सी देम एट द स्टेशन मेक्स कंप्लीट सेंस, राइट? आई डिड नॉट सी देम एट द स्टेशन, इसका मतलब है कि आई डिड नॉट सी देम एट द स्टेशन है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, तो जिसका मतलब है बिकॉज मैरी एंड सैम अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून, ये जो सारा पार्ट है ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, बिकॉज मैरी एंड सैम अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून, ये जो पूरा पार्ट है ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, जो कनेक्ट किया जा रहा है हमारे सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज से।
सो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने देखा, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज कनेक्टेड बाय वन सबॉर्डिनेटिंग अ कंजंक्शन एंड दिस एंटायर थिंग इज आर डिपेंडेंट क्लॉज. आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस को. While he waited at the train station, Joe realized that the train was late. तो यहाँ पे पहला चीज हम करेंगे subordinating conjunction का identification, जो कि है spot कीजिए subordinating conjunction को, जो कि है while. ये थोड़ा अजीब है, subordinating conjunction sentence के पहले ही आ गया. Okay, while he waited at the train station. तो okay, हमें और एक चीज सीखने को मिली कि subordinating conjunctions जो है वो पहले भी आ सकते हैं sentence के एकदम शुरुआत में. सो व्हाइल ही वेटेड एट द ट्रेन स्टेशन, ये पूरा सेंस आपको सेंस कर, ये पूरा जो पार्ट है सेंटेंस का वो आपको कुछ सेंस बना रहा है. डज इट मेक सम सेंस दिस पार्ट, व्हाइल ही वेटेड एट द ट्रेन स्टेशन? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे दिमाग में. व्हाइल ही वेटेड एट द, बट क्यों वो वेट कर रहा था? व्हाट हैपेंड व्हाइल ही वाज वेटिंग? इसका मतलब ये है कि ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज. ये डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है? क्योंकि इस पार्ट को किसी चीज की जरूरत है. इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स. ये है हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज. और जो रियलाइज दैट द ट्रेन वॉज लेट, ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज. बिकॉज जो रियलाइज दैट द ट्रेन वॉज लेट, दिस इज इंडिपेंडेंट. इट इज अ चंक ऑफ द सेंटेंस दैट कैन स्टैंड अलोन. वो अपने आप से खड़े रह सकता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है. सो और एक चीज जो आप, मैं चाहूंगी आप नोटिस करें, वो है while he waited at the train station. Since ये जो sentence है वो start हो रहा है एक dependent clause से, जो कि start हो रहा है एक subordinating conjunction से. ये जब भी clause finish होता है, complete होता है, तभी हम एक comma का इस्तेमाल करते हैं. So whenever a sentence starts with a dependent clause और whenever a sentence starts with a subordinating conjunction, जब भी वो dependent clause end होता है या complete होता है, उसके बाद हम एक comma लगा देते हैं. ये चीज जस्ट ध्यान में रखना. आइए देखते हैं थर्ड सेंटेंस को, जो कि है आफ्टर द लेफ्ट ऑन द बस मैरी एंड सैम रियलाइज दैट जो वॉज वेटिंग एट द ट्रेन स्टेशन. सो आफ्टर है हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आफ्टर द लेफ्ट ऑन द बस स्टेशन. तो आफ्टर द लेफ्ट ऑन द बस स्टेशन इज आर डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट? आफ्टर द लेफ्ट ऑन द बस स्टेशन, देयरफॉर दिस पार्ट इज आर डिपेंडेंट क्लॉज. एंड देयरफॉर Mary and Sam realized that Joe was waiting at the bus station. बहुत बड़ा independent clause है, लेकिन ये जो पूरा part है, ये है हमारा independent clause. Mary and Sam realized that Joe was waiting at the bus station. तो this part is our independent clause. This is our, what is it? It's our dependent clause. And this is our subordinating conjunction, which is after. So just ये चीज़ याद रखे, in a complex sentence, although they look very complicated, अगर आप सिंपल रूल्स समझिए उसके, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा आपके लिए. सो पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है, जो सारे कॉमन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है जैसे कि ये, इनका जस्ट रिमेंबर देम. ऑल्सो रिमेंबर दैट एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक कॉम्बिनेशन होता है वन इंडिपेंडेंट क्लॉज का प्लस टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस का. ये चीज प्लीज याद रखिए. एंड इसको कनेक्ट करते हैं हमारे सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में. और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप एक एसे लिख रहे हैं या एक कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, डोंट ऑलवेज यूज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और डोंट ऑलवेज यूज अ सिंपल सेंटेंस. इनका सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपका एसे थोड़ा बेटर लगेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे उससे. वेल, इसके बारे में हम और अपने राइटिंग मॉड्यूल में जानेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको, सिंस हम इस टॉपिक पे है, सेंटेंसेस के बारे में सीख रहे हैं, मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगी कि आपको एक ऐसे में एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज करना चाहिए, एंड दैट विल हेल्प यू फेच मोर मार्क्स. आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे अगर आपने उनका इस्तेमाल किया. तो ये थे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सो आइए जानते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, जैसे कि इनका नाम ही सजेस्ट करता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज. सो वी गेट आर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज. कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंसेज में, मैंने जैसे कि आपको बोला कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो ज्वाइन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फैन बॉयज से. याद है हमने फैन बॉयज के बारे में सुना था जो भी हम कंपाउंड सेंटेंसेज के बारे में सीख रहे थे. वैसे ही कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंबाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस.
सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में होते हैं एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉजेस. ओके, सो इट हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इट हैज मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉजेस. इसके बारे में हमने सीखा था जब भी हम सीख रहे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज के बारे में जस्ट कुछ ही देर पहले. अभी हम जानेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज के बारे में. सो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज. एंड व्हाट डू दे इंक्लूड, क्या वो क्या इंक्लूड करते हैं? वो उनमें एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. सो एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्लस एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, सो इट कैन हैव, इट हैज वन डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इट कैन हैव मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉजेस. तो ये हमने सीखा कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो हमारा टॉपिक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और क्यों वो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन होता है. क्योंकि यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इट गेट्स फ्रॉम कंपाउंड एंड इट गेट्स टू एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सो देयरफॉर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और हमें हमारे मिल जाते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. आइए पहले सेंटेंस को देखते हैं. आफ्टर द स्टॉर्म पास्ड आई वेंट आउटसाइड एंड पिक द फ्लावर्स. तो यहाँ पे पहले चीज जो हम आइडेंटिफाई करेंगे वो है हमारे सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है आफ्टर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड. और सेंटेंसेस को देखते हैं. आफ्टर द स्टॉर्म पास्ड, आफ्टर द स्टॉर्म पास्ड ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इट स्टार्ट विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड आफ्टर द स्टॉर्म पास ऑल्सो सबऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इट कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन. मैं बोलती हूँ आफ्टर द स्टॉर्म पास्ट लेकिन इट डज नॉट मेक कम्प्लीट सेंस, राइट? उसके बाद में आपको और भी ज्यादा जानना है कि क्या बात कर रही है. सो इट डज नॉट डिनोट कम्प्लीट मीनिंग एंड देयरफॉर आफ्टर द स्टॉर्म पास्ट इज आर डिपेंडेंट क्लॉज. आई वेंट आउटसाइड इज आर इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट्स आर फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज. आई वेंट आउटसाइड मेक्स कम्प्लीट सेंस एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. And I pick flowers is our second independent clause. So I went outside, I pick flowers. Two independent clauses मिल गए हमें यहाँ पे, two independent clauses and at least one dependent clause भी मिल गया after the storm passed. इसीलिए ये बन जाता है हमारा compound complex sentence. So आइए पढ़ते हैं second sentence. Although he has a crippling walnut allergy, Nelson bravely walked through the walnut grove, but he made sure to wear long sleeves. That's a good call, Nelson. So, आइए आइडेंटिफाई करते हैं. पहले आइडेंटिफाई करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को. सो नेल्सन ब्रेवली वॉक थ्रू द वॉलनट ग्रोव. ग्रोव मेक्स कंप्लीट सेंस, राइट? नेल्सन वॉक थ्रू द वॉलनट ग्रोव. सो दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. दैट मेक्स दिस पार्ट, दिस चंक ऑफ द सेंटेंस हमारा पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज. बट जो है वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सो यहाँ पे हमको हमारी हिंट मिल गई कि बट हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करते हैं. तो पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज था नेल्सन ब्रेवली वॉक थ्रू द वॉलनट ग्रोव. सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है ही मेड श्योर टू वेयर लॉन्ग स्लीव्स. ये है हमारा सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसका मतलब है जो पहला पार्ट है सेंटेंस का, ऑल्दो ही हैज अ क्रिपलिंग वॉलनट एलर्जी, ये बन जाता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, दिस इज आर डिपेंडेंट क्लॉज एंड ऑल्दो जो है इट्स आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, सो वी हैव यू नो द रिक्विजिट्स, मतलब हमें जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो चाहिए होता है वो सब इस सेंटेंस में है. हमारे पास एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज वन, इंडिपेंडेंट क्लॉज टू. वी हैव एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है यहाँ पे.